ये रामविलास पासवान जी का घर है। सामने देखिए उनका भव्य एक जो है फोटो लगा है, उस पर माला भी लगा, सामने उनकी पत्नी बैठी है। पूरे देश में ऐसा कोई दूसरा गांव नहीं है जहां से एक घर से निकल के 5 सांसद पार्लियामेंट में पहुंच रहा हो। इकलौता ये ऐसा घर है जहां से 5 सांसद निकल करके पार्लियामेंट जा रहा है। रामविलास जी के केंद्र में पहुंच जाने से, सांसद बनने से गांव का विकास कुछ हुआ? गांव का बहुत विकास हुआ, गांव के कहे बहुत विकास होले। अभी जो ये परिवार आपस में लड़े थे तो ओकरा गांव वाला सब सुलझावे के लिए कुछ कर रहे कि नहीं? बहुत हाँ प्रयास कर रहे अपने सब सुलझावे ले करबे नहीं। हाँ की लगे छे सुलझते है? अब तो कहे छे दोनों हमरा दोनों अलग अलग चुनाव लड़बे तो परिवार बिखरी जेते कि बचते है? तो बीच ये नहीं काटते। तो अपने प्रयास नहीं कर लिए कि सब भाई मिली कर रहे? अब कहबे ना बातें नहीं मानते नहीं तब की कर शादी तो दू गो केलखन। हाँ तब तो ऊ कौन बुद्धिमान भेल। खगड़िया जिले के सहरबनी गांव में ये वही घर है जहाँ से 5 सांसद देश के सर्वोच्च सदन में पहुंचे थे। ये रामविलास पासवान जी का घर है। सामने देखिए उनका भव्य एक जो है फोटो लगा है, उस पर माला भी लगा, सामने उनकी पत्नी बैठी है और गांव के कई लोग हैं। आज के इस वीडियो में पूरे इस गांव को आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे, दिखाएंगे उनका समाधि स्थल कैसा है, ये घर कैसा है जिस घर से जो है 5 सांसद एक साथ देश को मिल गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आप पत्नी हुई उनकी? हाँ आते हैं चिराग कभी आते हैं इधर? दो महीना पहले। आप कौन कौन रहता है यहाँ पर आपके साथ अभी? देखे नहीं चाहिए कौन कौन सब अगर नहीं चिन्ह चाहिए सब याद आर जे छथिन से सब रहे छथिन के जग सब चाहिए। दिल्ली जाए चाहिए अपने कथी ले? अब सब ये नहीं करते नहीं तो की कर रहे जाए घूमे ले दिल्ली देखे ले घूमे कत्ते घूम लिए दिल्ली। पारस जी रामचंद्र जी उन सब के घर यही में छे कि अलग छे? यही में छे सबके। मतलब एक घर से 5 गो सांसद एक घर से बने वाला घर वाले देश का 5 सांसद दिल के नहीं घर बना के एक साथ है। समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट ये गांव है और उस गांव का ये कितना वैल्यूबल ये घर होगा जहां से 5 सांसद निकल के जा रहा हो। आज के इस वीडियो में हम दिखाएंगे कैसा ये घर है, कैसा गाँव है और रामविलास जी के यहाँ से निकल करके केंद्र पहुँचने के बाद कितना बदला गाँव। पहले से तो आप देखते होंगे उनके नेता बनने के बाद या दिल्ली में सांसद बनने के बाद क्या अच्छा ये सब रोड छोड़े रहे ये सब रोड मतलब उनका बनला के बाद ये सब रोड होले सब अथी होले या सब छथिन तिनकरा सब पूछलौन हमें तो हुनकर पत्नी है ना। हाँ तो पत्नी तो ज्यादा कुछ देखे थे ने हम तो हियाँ छे तो हियाँ के चीज नहीं देखबे। हाँ और हियाँ कुछ विकास भले कि नहीं वो जाने ले चाहे। हाँ बहुत इंजीनियर से सबसे पूछ लियो कि विकास होले कि नहीं की बाबा गांव बदलले? गांव तो बहुत बदलले थे बदलला पर। हाँ गांव बदले में कोनो कसर आर नहीं थी। गांव के कहे बहुत विकास होले। अभी जो ये परिवार आपस में लड़े थे तो ओकरा गांव वाला सब सुलझावे के लिए कुछ कर रहे कि नहीं? बहुत हाँ प्रयास कर रहे अपने सब सुलझावे ले करबे नहीं। हाँ की लगे छे सुलझते है? अब तो कहे छे दोनों हमरा दोनों अलग अलग चुनाव लड़बे तो परिवार बिखरी जेते कि बचते है? तो बीच ये नहीं काटते नेता छतनी उ दोनों नेता है अपना आप तो दोनों नेता हां लेकिन हम सब जे छिए तो अपने प्रयास नहीं कर लिए कि सब भाई मिली के रहे एक साथ अगर हमरा से पास में रहतनी तब हां कहबे ना बातें नहीं मानतनी तब की करबे? बेटा भतीजा छिए तो बेटा भतीजा उत देर भेल खानी हां देर ओकर हां अब बाकी तो इन्हें हाँ, बेटो छे ना बेटो हाँ, का कहवे ना कि मान जेते आजकल का बेटा नहीं माने छे ओकरा हाँ, अपना मर्जी से हुए छे। देखियो हम घर कैसन बनेने रहिए हम घर जे बनेलिए से हुनकरा उजार करके देखियो बने छे उधरो देखियो तो अपने पहले बनेलिए ओकरा तोड़ के बने छे। हां आबे छे तो बात नहीं करे छे सब पर कि किया पारिवारिक टूट भए जेतै ओहिसँ सब साथ मिलकर रहब हिनकर नाम कितना बड़ा नाम रहे जब तक रहलखिन तब तक कोई बिखरले नहीं। ये बुद्धिमान रहथनी अपना ज्ञान से की करे रहथनी नहीं करे रहथनी से तो हिनिए जानते शादी तो दू गो केलखनी। हाँ
तब तो कौन बुद्धिमान भेल। अब तो ये तो ए बात मुद्दा पर तो हमने कहब की भेले तो पत्नी छी अपने अपने ही कहब पत्नी छी है तो कोई हम तो खराब नहीं छी है। हां से तो नहीं कहि जो कोई अच्छी है। अब तो बूढ़ होलिए आप बहुत हमरा दू गो लड़की छे जवान जवान ओकरा लड़का छे नाती नतनी जवान जवानी ओके शादियो भेलैन मल्लीपुर जे कह रहलिए कि दू गो शादी कर लेलखिन ओ तो ठीक नहीं केलखिन वह कहे छन केना ठीक करलखिन और आदमी के सबके बढ़ावा देलखिन जे ओ कलखन तो की भेलै हमहूँ करै छी हमहूँ कै लेबै और आदमी करै छै। तो हुनका जे समय में रहतीन तो आपने पूछलिए ना कि हम तो छिए तो दोसर शादी किया करै छी किया कर लिए कभी पूछलिए ना। हम एगो चीज में गलत रहिए वैसे मतलब तनिक पढ़ल लिखल नहीं रहिए वैसे। अच्छा पढ़ल लिखल नहीं रहिए वह खातिर दोसर शादी कर लेलखिन बस और कोई चीज में हमरा बाकी बाकी सब देखभाल अपने के करत रहतीन हूँ बातचीत हो रहे सब बातचीत हो नहीं अखनियो बातचीत तो हमरा सब तीनों से हुए करे छथिन आ वो लड़कबो से हुए चिराग आबे छै मिले ले। हाँ आबे छथिन जब दू महीना होबे कते दिन भेले हो तब आबे छै त कत रुके छै वो चिराग कहाँ रुके छै आबे छै यहाँ रुके छै रात में ही रुके हैं। हाँ यहाँ रुके छथिन खाना खाता आपका बनाया हुआ। हाँ मैथिली बोले छे हिंदी बोले छे कौन भाषा में कहे छे अपने कुछ बोल था नहीं लेकिन हम तो यह भाषा बोले छे तो वो समझ जाए छथ। हाँ तो कहे छथ नहीं माँ ये चीज हम खाएंगे मछली हो चाहे मुर्गा हो चाहे खस्सी हो जे चीज कहे छथिन वो चीज मंगा के खिला दे छी। हम तो गाँव देखावे ले लिए हम लालुओ जी के गाँव गेलिए हुनकरो घर देखलिए रहे अफसोस सबके पूरा देश के अफसोस है कि अपने करे तो दोसर शादी खेलखिन ये गोधना छे कि टैटू बनेने छे अपने गोधना छे पहले जमाना में की लिखल छे हमर नाम रहे लिखल लेकिन नहीं ठीक से लिखलके नहीं लिखलके ठीक से एकरा माथी दलके से केना तो देखिए आज के समय जो टैटू बनता है उसका ओल्ड वर्जन है ये बना हुआ है उस जमाने में भी ये चीजें बनता है यही तो साथ जाएगा इतना जो सब चीज बन रहा है हम कर दिए हैं वो सब नहीं जाएगा खरीद दिए हैं तो कौन चीज जाएगा ये साथ जाएगा तब समझ ली ये गाँव का धारणा है हमारे यहाँ भी लोग बोलते हैं जो गोदना हम कराते हैं वो जलेंगे भी तो हमारे साथ जल जाएगा वो और हमारे साथ ही जाएगा इसलिए वो स्मृति के तौर पर हमारे शरीर पे बना रहा शरीर के साथ जाता है इसलिए बनाते हैं। बाकी ये रामविलास पासवान जी का ये घर है उसमें देखिए सामने में एक बड़ा सा फोटो लगा है उस पर माला लगा है मोती का और ये इधर से इसका मुख्य द्वार प्रवेश द्वार है अभी आएंगे तो दिखाएंगे लेकिन फिलहाल आपको इधर में दिखा दें एक नया घर का कंस्ट्रक्शन इस तरफ में हो रहा है बाउंड्री वॉल बन रहा है और कई पेड़ हैं अंदर में लगे हुए जिसको अभी उखाड़ा गया है इसका दोबारा रीप्लांटेशन होगा क्योंकि इसमें देखते हैं कि बोरी लगा करके रखा गया है ये देख लीजिए ये आज के समय के लिए ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमको लगता है कि एक नया घर इधर में बन रहा और ये वाला जो है पुराना घर है रामविलास पासवान जी का और इसमें दो टावर लगे हुए जो पुराने समय में वायरलेस सबसे पहले टेलीफोन सिस्टम शुरू हुआ था वो टेलीफोन सिस्टम का दो टावर है इधर में लगा हुआ उसके बाद सामने एक BSNL का एक्सचेंज है उसका भी टावर है और उसके बगल में जो प्राइवेट कंपनी है उन लोगों का टावर है बाकी ये घर है इसी में घर से 5 सांसद देश को मिला है समझ लीजिए ऐसा गांव देख लीजिए पहले चारों तरफ इस गांव से इस घर से 5 सांसद देश को मिला है ये समझ लीजिए डिफरेंट है पूरे देश में ऐसा कोई दूसरा गाँव नहीं है जहाँ से एक घर से निकल के 5 सांसद पार्लियामेंट में पहुंच रहा हो इकलौता ये ऐसा घर है जहां से 5 सांसद निकल करके पार्लियामेंट जा रहा है और इस तरफ में घूम जाए कैमरा तो इधर में गेस्ट के लिए टॉयलेट बना हुआ है नहाने धोने की व्यवस्था और हमको लगता है कि पहले ज़्यादा मेंटेन रहता होगा ये इधर में कई पेड़ लगे हैं सामने घर बन रहा है ये पुराना वाला घर है
कबूतर भरपूर है यहाँ पर। इधर अंदर अंदर आते ही देख लीजिए, ये वाला जो घर है इंट्रेंस है, इधर में फ्रीजर रखा हुआ, एक बेडरूम इधर में है और इधर में भी एक बेडरूम है, बच्चे रहते हैं इसमें। और अंदर आइए, अंदर में जो है ये सीढ़ी जो है ऊपर वाले फ्लोर को कनेक्ट करता है। आंगन में भी नल वल लगा है, एक टेलीफोन का टावर इस आंगन में से भी ऊपर निकला है यहाँ से। ये तोता है एक, यहाँ पर बोलता है कुछ, हेलो बोलता नहीं है, ये पहचान के लोगों के साथ बात करता होगा। और ऊपर भी कुछ लोग रहते हैं परिवार के ही। तो ये अंदर से घर आपने देख लिया, ऐसा गांव जहाँ से 5 सांसद निकल के आ रहे हों तो समझ लीजिए कितना वैल्यूबल होगा ये। रामविलास जी के केंद्र में पहुंच जाने से, सांसद बनने से गांव का विकास कुछ हुआ? गांव का बहुत ही विकास हुआ, विकास कमी नहीं हुआ, छोटा जहां तक हुआ तहाँ तक कर दिया। बाकी जो है गांव में स्कूल अस्पताल ये सब कुछ है, क्या क्या है? स्कूल है, अस्पताल नहीं है, रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। तो रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छा हो गया और आप समझ सकते हैं कि मेन रोड से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी है इस गांव में। एकदम समझ लीजिए कि सुदूर गांव है, वहां से कोई आदमी निकलता है और देश के सर्वोच्च सदन तक पहुंचता है, समझ सकते हैं आप। 11 बार सांसद और इस फैमिली से या इस घर से 5 सांसद, समझिए आप कितना वैल्यूबल ये घर है और कैसा यह जमी होगा जहाँ से 5 सांसद निकल के एक घर से पहुँच जाता है देश के सर्वोच्च सदन में। इस तरफ में देख लीजिए रामविलास पासवान जी के पिताजी का समाधि स्थल, उनकी माता जी का, उधर में उनके दादाजी दादी जी, और इस तरफ में पासवान जी की भव्य मूर्ति, एकदम देखिए गोल्डन कलर की मूर्ति है और वैसे उसी लिबास में जैसे हुआ करते थे, पॉकेट में पेन है, कोट वो पहने हुए हैं और सोफा पर बैठे हैं उसी अंदाज में जैसे वो बैठा करते थे। शानदार मूर्ति, इसके ऊपर अब छत बनना है, छत बनाने की तैयारी हो रही है। तो गांव में टेलीफोन एक्सचेंज है BSNL का, हाँ, हाँ। पासवान जी के रहते हुए लगा, हाँ, सर। अच्छा, जब टेलीकॉम मिनिस्टर थे तब बना है ये, तब बना है। तो यही सब है जो काम है जिसको लेकर के गांव वाले याद करते हैं। और पासवान जी अनोखे अंदाज में काम करने के लिए जाने जाते हैं रेलवे में, उन्होंने उनका जो योगदान है पूरा बिहार जब तक यहाँ ट्रेन चलेगी तब तक उन्हें याद रखेगा, उनके किए गए कामों को। फिलहाल अगर बाहर आ जाए और इस घर में स्मारक भवन लिखा है, संत स्वर्गीय यमुना दास इस पर लिखा हुआ है, और इस तरफ में स्मारक भवन संत स्वर्गीय सिया देवी, दोनों का नाम लिखा हुआ, दादा दादी हुए, हाँ। तो ये स्मारक स्थल है जहाँ 3 पीढ़ी का स्मारक समझ लीजिए, दादा दादी माता पिताजी और फिर उनका। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह के और वीडियोज़ को YouTube पर देखने के लिए वेफोरी को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप हमें Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, Instagram और Twitter पर भी हमारी आपसे मुलाकात होती है। आप चाहें